जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप लोग का बहुत मैसेज आ रहा था कि सर सब लोग बिहार बोर्ड ऑफिस आए हैं, आप भी आइए। तो फाइनली आज हम जो है आप लोगों से मिलने बिहार बोर्ड ऑफिस के पास पहुंच रहे हैं और लगभग हमें लगता है कि 12 से 1 बजे तक हम पहुँच ही जाएंगे वहाँ पर। और देखिए बड़ी चीज़ क्या है कि ये मत अपने दिल में ये लोग कुछ बैठा लेते हैं कि कोई भी बच्चा यदि टॉपर हो रहा है तो उसमें शिक्षक अपने आप को ये समझ लें कि मेरे वजह से कोई बच्चा टॉपर हो रहा है। नहीं, यदि कोई बच्चा आपकी वजह से टॉपर होता तो आपकी पढ़ाए हुए हर विद्यार्थी टॉपर होता, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे पढ़ाने की वजह से आप टॉपर हुए हैं या फिर आपको वहाँ बुलाया गया है। नहीं, हम आपके सिर्फ और सिर्फ एक सहयोगी हैं। जो मेहनत आपने किया है, ठीक ना, वो मेहनत रंग लाया है, तो इसके लिए आप ही धन्यवाद के पात्र हैं, ठीक ना। आपको ढेर सारा धन्यवाद हमारे तरफ से और ढेर सारा आशीर्वाद कि आप सभी जो है ना जीवन में बहुत आगे तक बढ़े, सफलता को प्राप्त करें, ठीक है। और इस बात से मुझे ये गर्व है आप पर कि आपने जो मेहनत किया है उस मेहनत के बदौलत आज आप वहाँ हैं। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आपके वजह से कि आज मुझे बिहार बोर्ड ऑफिस तक पहुँचने का मौका मिल रहा है। तो ये बात बहुत गर्व वाली बात है मेरे लिए खासकर, ठीक है ना। तो बस इसी बात के लिए जो है ना आप लोग जब मैसेज किए तो हम सोचे कि चलो मिल लेते हैं बच्चों से, ज़रूरी है क्योंकि ये पल बहुत ज़्यादा अहम होता है। तो आज हम आपसे मिलने के लिए निश्चित रूप से पहुंच रहे हैं, कोशिश हमारी होगी कि हम 12 से 1 बजे तक पहुंच पाएँ, ठीक है ना। चूँकि हम पहले से ये प्लान नहीं बना रखे थे और एकाएक हमारा प्लान बन गया है, तो अभी कुछ देर में हम यहाँ से निकलेंगे और फिर पहुँचेंगे। 1-1.5 घंटे तो लग ही जाते हैं, लगभग 2 घंटे के आसपास, तो 2 घंटे के आसपास लग जाएगा हमको यहाँ से पहुँचने में। फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे हम वहाँ पर। तो जो भी पटना के आसपास के बच्चे हैं, चाहे उन्हें टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया हो या ना बुलाया गया हो, बच्चे आप सभी हमारे हैं, हमने आप सबों को पढ़ाया है, ठीक है। जो भी आप हमसे मिलना चाहते हैं, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप टॉपर के लिए नहीं बन पाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे के लिए तैयार बेहतर हो जाए, ठीक है ना, आप आने वाले जो जीवन में आपका सफलता है उसको आप बेहतर तरीके से प्राप्त कर ले, ठीक है ना। यहाँ पर टॉपर वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया, यदि आपने टॉपर के लिए नहीं आपको सेलेक्ट किया गया तो इसमें कोई ज़्यादा दुख की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले एग्जाम में आप बेहतर करें और अपने जीवन की जो मुख्य परीक्षा है उस परीक्षा में टॉपर बने, सफलता प्राप्त करें। और एक बड़ी बात आपको ये बता दें कि आज टॉपर वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है, ठीक है ना, 21 तारीख आज लास्ट डेट है। तो आज ही भर टॉपर वेरिफिकेशन होगा। जिन बच्चों को कॉल गया है वो सभी अपने समय पर पहुँच जाएँ और जिन लोगों को कॉल नहीं गया है वो लोग अब उम्मीद ना रखें कि आपको अब कॉल जाएगा, ठीक है ना। अब सीधे सीधे आप लोग अपने रिजल्ट का इंतज़ार करें और आपका रिजल्ट जो है ना 22 और 23 ये 2 दिन का वक्त रखा गया है, 22 और 23 दो दिन में आपका रिजल्ट, मुझे उम्मीद है कि 23 को ज़्यादातर चांस बनता है रिजल्ट आने का, तो 23 को रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग 23 को रिजल्ट निश्चित रूप से देख पाएंगे और इस बार का रिजल्ट बहुत बेहतर आने वाला है। आप सभी बिल्कुल निश्चिंत रहें, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेहतर लिखे हैं, बेहतर मार्क्स आएगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। आप जैसा लिखे होंगे वैसा मार्क्स आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है ना। आइए मिलते हैं आप लोगों से आज फिर दोपहर में बिहार बोर्ड ऑफिस के पास। धन्यवाद।